इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। थाना अतरसुया के अंतर्गत रानी मंडी क्षेत्र के कूड़ेखाने के पास गुरुवार सुबह करीब 7 बजे एक अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष लग रही थी, जिसको बहुत ही बुरी तरीके से मर गया था। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार उसकी पहचान अतरसुया क्षेत्र के रानी मंडी इलाके के निवासी अभिषेक कुशवाहा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसकी बहुत ही बेरहमी के साथ हत्या की गई है। जब उसका शव बरामद हुआ था, उसकी एक आंख फोड़ दी गई थी अथवा एक आंख बाहर की तरफ निकली हुई थी एवं हाथ पैरों पर भी काफी चोटों के निशान थे। वह सर पर भी किसी भारी चीज से हमला किया गया था, जिसके बाद उसके शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वह उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। शाम होते होते उसकी पहचान हुई, लगभग 4 बजे। वह घर वालों का आरोप है कि आदित्य मालवीय नामक व्यक्ति ने कुछ पुरानी रंजिशें के चलते उसकी हत्या की है। शाम 5 बजे करीब थाना अतरसुया में FIR दर्ज की जा चुकी है। परिजनों ने अतरसुया चौराहे पर चक्का जाम कर अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। काफी देर के हंगामे के बाद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद चक्का जाम खत्म कराया। अतरसुया थाना अध्यक्ष ने कहा है कि जल्दी इस हत्याकांड का खुलासा होगा और जो भी संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे को ये लोग घर से बाहर से पकड़ के लेके गए हैं। वो उसके कुछ नहीं मांगा था, वो आया था पैसा निकालने। उसको बाहर से पकड़ के 5-6 लड़के लेके गए हैं। हमको हमारे बच्चे के लिए न्याय चाहिए। हमारे 2 बच्चे विकलांग है, मेरा वही एक वारिस था। मेरा कोई कमाने वाला नहीं था। मेरे बच्चे को न्याय, और जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसको फांसी चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे 2 बच्चे, एक बच्चे को दिखता नहीं है। एक बच्चा मेरा दिमाग से विकलांग है, मेरा कोई वारिस नहीं, मेरा वही एक सहारा था। मुझे न्याय चाहिए। कोई सहायता किसी ने अभी नहीं किया है। बॉडी मांग रहे, बॉडी देने से मेरी एम्बुलेंस में रखे की बॉडी इन लोगों ने उतरवा ली नीचे और दोबारा पोस्टमार्टम में ऊपर अंदर भेज दिया गया। क्या बॉडी आपको सुबह मिलेगी बताइए। एक बार पोस्टमार्टम हो गया, दोबारा फिर पुलिस 7 बजे से हम लोग कोई चीज की सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। कितनी इतनी बुरी तरह से मेरे भतीजे को मारा गया है कि हम लोग का उल्टा खड़ा हो गया उसको देख कर। बताइए एकदम से अब ये सब नहीं मान पता है किस वजह, मगर रात में उसको उठा के लेके गए हैं। वो आके बताए ना, तो वो तो जिसने ले गया वो आके बताए ना हम लोगों को। इससे पहले भी मारता था, इससे पहले भी हमारे यहाँ घर पे आके धमकी देके गया है। आदित्य मालवीय नाम है उसका।